अस्सलाम वालेकुम, मैं लाइफ स्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से तमाम मेरे मुसलमान बहन भाइयों को बहुत बहुत जुमातुल विदा मुबारक हो। आज मैं आपसे अपने व्लॉग में अपने जुम्मे की रूटीन को शेयर करने वाली हूँ, जो अचानक से प्रोग्राम बना है। कोई पहले प्लानिंग नहीं थी कि हम जा रहे हैं जी कहीं और जुमा पढ़ने के लिए, या कोई भी सुबह अभी ने या रात को ऐसा डिस्कस ही नहीं किया था। बस तकरीबन 11:15 बजे ऑफिस से आए तो मुझे कहते हैं आओ चलते हैं। मैंने कहा कहाँ जाना है, अब तो जुम्मे का टाइम हो रहा है। कहते हैं आज फैसल मस्जिद चलते हैं जुमा पढ़ने के लिए। फिर तो ना पूछे कि मुझे लग गई दौड़े। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए, पहले अपने फिर उनके किए, फिर उन्होंने गुस्से जुमा किया, फिर मैंने किया। और हमने नेट पे टाइम देखा, 1:30 बजे का टाइम था कि फैसल मस्जिद में जुमे का टाइम 1:30 बजे है। तो हम तकरीबन घर से 12:45 बजे निकल गए और बहुत ही स्पीड से शूटो शूट मैं दुरूद पाक पढ़ती रही, क्योंकि जुम्मे का बाबरकत दिन था और आपको पता है जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ने की कितनी फजीलत है। और घर से निकले और यहाँ पे जी अभी हम बहुत ही पीछे थे फैसल मस्जिद के, तो आप रश देख सकते हैं कितनी ही ज्यादा रश थी। लेकिन दिल में एक अलहदा सी खुशी थी, एक तो रमजान मुबारक का बाबरकत महीना और एक रमजान का आखिरी जुम्मा हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि दिल की क्या कैफियत होती है। और दिल करता है कि इंसान हजारों नहीं लाखों नहीं पता नहीं कितनी दुआएं दिल से निकल रही थी कि ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। और अल्लाह ताला के साथ बहुत गफूर रहीम है इंशाल्लाह जी। उम्मीद है अल्लाह ताला सब कुछ देंगे, उसके खजाने भरे हुए हैं इंशाल्लाह। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रश थी, इतनी ज्यादा रश के शायद मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अगर अपना हाथ दूसरी तरफ करती तो बहुत ज्यादा रश थी। बाइक के साथ बाइक थे, गाड़ियां लगी हुई थी, तो मुमकिन नहीं था कि मैं अपना हाथ दूसरी तरफ करके वीडियो बनाऊँ, आगे जाके मैं आपको शायद कुछ दिखा सकूँ। बहुत ज्यादा रश थी और बहुत ज्यादा आवाम यहाँ पे जुमा पढ़ने आ रही थी, लोग आपस में टकरा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से किसी का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सभी सब्र के साथ जा रहे थे। तेजी में जरूर थे, लेकिन अक्सर होता है ना कि ऐसे मौकों पे लड़ाई झगड़े और फसाद हो जाते हैं, लेकिन सब सब्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे थे। और यहाँ पे जब हमने काफी ज्यादा लोगों को पैदल जाते देखा, तो मैंने भी एक दफा भी से यही कहा कि मैंने कहा आप ऐसे करें कि यहीं पे बाइक रोक दें ताकि हम पहुंच जाए ना। लेकिन यहाँ पे चलने वालों के भी हालात कुछ गैर ही थे, मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि बाइक वाले कुछ ना यंग यंग जो लड़के होते हैं वो बीच में पैदल वालों के रास्ते पे जा रहे थे। खैर बाइक की वजह से हम बच गए, गाड़ियां वाले तो बेचारे कहीं पीछे ही रह गए जिनकी गाड़ियां थी, क्योंकि गाड़ियों के लिए आपको पता है खुली जगह का होना बहुत जरूरी है। बाइक की वजह से हम इधर उधर से गुजरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह से जी 1:25 पे हम पार्किंग में पहुंच गए थे। बस जल्दी से हमने जी अपने बाइक को किया पार्क और हमने कहा जी तेज तेज चलते हैं मस्जिद के अंदर की तरफ। लेकिन जब हम बाइक को पार्क करके निकले जाने के लिए, और यहाँ पे एक जूतों वाली वो एक नहीं बहुत सी ऐसे शॉप नुमा बनी होती हैं, किसी ने हमसे जूते नहीं लिए क्योंकि वो फिल थी फुल, और बस वो कहते हैं अब आप जाने और आपके जूते जाने। खैर हमने बाहर ही एक जगह इकट्ठे करके रख दिए, नमाज पढ़ी। और यहाँ पे जी ये नमाज के तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं और हस्बैंड ऊपर आए, क्योंकि हमें नीचे वाले फ्लोर में जगह मिली थी, ऊपर सारा फुल था। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें पता चला जी कि यहाँ जुम्मे का टाइम जो है वो 2:00 बजे का है, उसके बावजूद बिल्कुल हाल फुल थे यहाँ पे सारे। नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा तकरीबन गुजर गया था और मैं और अभी यहाँ बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे, और बस यही डिस्कस कर रहे थे कि टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। और मैं अपने सूट को देख रही थी, अल्लाह जन्नत बख्शे मेरी अम्मी को, ये उनका सूट है और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। ये हर जुम्मे वाले दिन ना मैं अक्सर पहनती होती हूँ, किसी किसी जुम्मे को नहीं भी पहनती, लेकिन जब भी पहना है मैंने इसे जुम्मे वाले दिन ही पहना है। तो आज मैं ये सूट पहन के आई थी, और जब भी मैं ये सूट पहनती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी अम्मी के बिल्कुल करीब हूँ। अल्लाह पाक इस बाबरकत दिन के सदके मेरी अम्मी, मेरे अब्बू को और सब मरहूमैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। और अब चलते हैं जी घर की तरफ और वहां से अपनी रूटीन आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अब जी हम पहुंच गए अपने घर और अपने किचन में, और यहाँ जी मैं बना रही थी टैंक, क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी रोज़े की वजह से, और पता नहीं यही गर्मी में बंदा बाहर जाए वापस आए तो उसकी वैसे ही थोड़ी तबीयत ना निढाल हो जाती है। तो मैंने कहा चलें जी टैंक वगैरह बना लेते हैं। चीज़ें आते हुए मैं ले आई थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो मैं इंशाल्लाह आपसे साथ साथ शेयर करती हूँ। अफ्तारी का सामान यानी कि कुछ भी आज घर में नहीं बना, कुछ भी बस चटनी बनाएंगे और साथ में जूस बनाएंगे, बस यही है, खजूर वगैरह फिल करेंगे, बाकी सारा कुछ मैं बाइट से ही लेके आई थी क्योंकि आज तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और यहाँ पे जी आते हुए मैं लाई थी कचौड़ियाँ चिकन वाली वो, और साथ में ही मैं ले आई थी दही भल्ले बाजार से ही।
और फिर मैंने ना अभी अफ्तारी से थोड़ी देर पहले बेटे से पकोड़े भी मंगवा लिए, क्योंकि ना उसे तो पकोड़ों का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है ना कि पकोड़े नहीं है मामा, पकोड़े नहीं बनाए। मैंने कहा अच्छा जाओ याद लेके आओ पकोड़े, ताकि तुम्हारी अफ्तारी कहीं कम्प्लीट हो जाए। और यहाँ जी वो ले आया था पकोड़े बाजार से। और हाँ, मैंने एक काम हिम्मत दिखाई थी जो मैं आपसे शेयर करना भूल गई हूँ, वो ये है कि मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। क्योंकि फ्रूट चाट ना किसी ऐसी मतलब अच्छी जगह के अलावा आम मुझे पसंद है, तो उधर हमारा कमर्शियल की तरफ चक्कर वगैरह भी नहीं लग रहा था, तो यहाँ से लेनी थी। मैंने कहा घर में फ्रूट इतना ज़्यादा पड़ा है, तो चले मैं जल्दी जल्दी जो है ना फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और यहाँ पे जी बच्चों की अफ्तारी से पहले की झड़पें स्टार्ट हैं। वैसे ही काम कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपस में इन्होंने ना नोका झोंकी करनी है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ मैंने सारे पकौड़े वगैरह डाल लिए थे। यहाँ जी क्या हो रहा है, यहाँ पे भरी जा रही हैं जी बिल्कुल। खजूरों की फीलिंग कर रही है मेरी बेटी मिशी, क्योंकि मैंने इसकी बर्थडे पे आज इसको विश किया था, तो आपको तो इसका नाम पता चल गया होगा। पहले बादाम लगा रही हो? जी पहले बादाम लगाऊंगी, फिर मैं सारी मलाई से भर दूंगी। वाह जी वाह, चलें जी शुक्र है, कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं और कुछ ना कुछ मैं अफ्तार बाइट से ले आई हूँ। आज सही वादी मैं गर्मी में जली भी हूँ और थकी भी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भागते दौड़ते ना मैंने जुम्मतुल विदा फैसल मस्जिद में अदा कर ली। हमारे घर में ना एक आदत है शुरू से, जो काम एक बंदा कर देना फिर वो पूरे रमज़ान हर साल करते हैं। जैसे कि मेरे अभी जो हैं वो फ्रूट चाट बनाते थे, तो फिर अब हम उन्हीं से फ्रूट चाट बनाते हैं, बस मजबूरी की सूरत में मैं बनाती हूँ। और इसी तरह मेरी बेटी शुरू से ना चटनी बनाना, जूस बनाना और खजूरें वगैरह फिल करना और कोई छोटी मोटी हेल्प हो वो कर देती है। तो इसकी बस यही रूटीन है कि ये काम इसी ने करने हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे ये अपने काम में बिज़ी भी हो, लेकिन मैं कहती हूँ ये अब तुम नहीं, तीन चार काम आखिरी वाले करने हैं, और ये कर भी देती है, शुक्र है अल्लाह का। और यहाँ जी हो गई हैं फिल बादाम और बलाई के साथ खजूरें, चले देखते हैं अब कुछ और कर लें काम, वरना फिर दस्तरखान पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मेरा दस्तरखान सज गया है, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपका और मेरा दस्तरखान हमेशा इसी तरह से सजा रहे, भरा रहे, और अल्लाह ताला अपने ख़जानों से हमें अता करते रहे, और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने, इस बाबरकत दिन के सदक़े हर मोमिन मुसलमान की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला हर किसी की परेशानी को दूर करे, अल्लाह ताला बीमारों को शफा दे और बेरोज़गारों को रोज़गार दे, और अल्लाह ताला सबके बच्चियों और बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हमारा खात्मा भी जी ईमान पे करे। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।